विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गोगुंदा से प्रताप बिल को बनाया प्रत्याशी। गोगुंदा बाईपास चौराहे पर हुआ भव्य स्वागत। दरअसल शनिवार को भाजपा ने राजस्थान में विधायक प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इस बार सूची में 83 नाम है, जिसमें गोगुंदा से एक बार फिर प्रताप बिल को दावेदार बनाया है। बिल गोगुंदा से दो बार विधायक हैं और भाजपा ने तीसरी बार भी उन्हें ही विधायक का टिकट दिया है। आपको बता दें कि इस बार गोगुंदा के पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा बिल व शंभू गमेती टिकट की दौड़ में थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार उनका टिकट कट सकता है। लेकिन सर्वे में प्रताप ही सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे, जिसके चलते भाजपा ने एक बार फिर उन्हें ही टिकट दे दिया है। वहीं गोगुंदा से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद प्रताप बिल अम्बा माता मंदिर पहुंचे, जिसके बाद बाईपास चौराहे स्थित हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिल का माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान बिल ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली से एक साधारण कार्यकर्ता को तीसरी बार टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोगुंदा की जनता के हर सुख दुख में वे हमेशा खड़े हैं और खड़े रहने की कोशिश करेंगे और आगे भी उनके लिए खड़े रहेंगे। प्रताप बिल का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आगामी चुनाव में गोगुंदा की जनता भाजपा पर भरोसा जताएगी। इस मौके पर दयालाल चौधरी, नवल सिंह राजपूत, चंद्रेश फतावत, सुरेश तेली, सुरेश सोनी, जीतू जोशी सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल न्यूज़ वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।